हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जुपिटर क्लासेस सो गाइस हमने अपनी जो थाउजेंड एम्स की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम सेट फोर करने वाले हैं गाइस ठीक है तो इसकी पीडीएफ गाइस मैं आपको शेयर कर देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है गाइस और हमारा फेसबुक ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम क्विज करते रहते हैं गाइज़ ठीक है उसके बाद अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो गाइज़ यू आर मोस्ट वेलकम ठीक है तो मैंने सोचा है में दो तीन दिन के बाद जैसे ही ज्यादा बच्चे फॉलो करना शुरू हो जाएं तो मैं इंस्टाग्राम पे शाम को एक टाइम रख के आपको बता दूंगा वहां पे लाइव आके आपकी जो क्वेरीज होंगी गाइज मैं वहां पर लूंगा ठीक है आपके डाउट्स वहां पर जो भी होंगे पूछना चाहेंगे आप मेरे से लाइव इंटरेक्शन करना चाहेंगे वहां पर हम करेंगे गाइज ठीक है अपना टाइम वेस्ट ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन गाइज सिक्सटी क्वेश्चन मैं आपके करवा चुका हूँ तीन सेट करवा चुका हूँ फोर्थ सेट है हमारा आज ठीक है देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का आपको बताना है

वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है वाल्टर लॉरेंस अलेक्जेंडर कनिंगम दीवान कृपाराम गणेश दास सो गाइस आपको इसका आंसर बताना है आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर दीजिए नहीं आता है सो गाइस देख लीजिए इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी के वाल्टर लॉरेंस तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन अभी आपके सामने शो हो रहे हैं जो भी बच्चे प्रीमियर में इसको देख रहे हैं अभी तो वो साथ साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करते रहेंगे ठीक है गाइस तो आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा गया था ठीक कल मैंने आपको पूछा था कि कब लागू हुआ था कब फोर्स में आया था वो डेट आप मुझे बताएंगे ठीक है आप वो डेट मुझे बताएंगे कब वो फोर्स में आया था अभी आप मुझे बताएंगे कि वो जो है ये अडॉप्ट कब किया गया था 26 जनवरी 1957, 17 नवंबर 1956, 26 नवंबर 1956 या 26 नवंबर 1957. ठीक है गाई? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 नवंबर 1956. ठीक है तो देखिए कन्फ्यूज यहां पर नहीं होना है 26 नवंबर 1957 से 26 नवंबर 1956 से. ठीक है सो तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो सु, सु, सुल्तान शमसुद्दीन को कौन सा नहीं विच रूलर एज्यूम टाइटल आप ठीक है सुल्तान शमसुद्दीन का टाइटल कौन से रूलर ने एज्यूम किया था शाह मीर ने या जैन उलाब्दीन ने शिहाबुद्दीन ने या सिकंदर ने कहा जिसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो गाइज मुझे पता होगा जो भी बच्चे अभी इसको इस वीडियो को प्रीमियर में देख रहे हैं वो बच्चे इसका आंसर कर रहे होंगे ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है वाइज हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स यहाँ पे चाक डायनेस्टी को कश्मीर में किसने फाउंड करा था गाजी चाक यूसफ चाक याकूब चक या कासिम खान सो तो का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक है गाइज गाजी चक कौन था मोतीराम शेख इमाम रनजीत सिंह रणवीर सिंह तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी तो क्या पता है कि बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे इस चैनल पे ठीक है जो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं वो इसका आंसर कर रहे होंगे गाइस तो मुझे पूरा आप पे भरोसा है ठीक है अगले क्वेश्चन देखते हैं यह क्वेश्चन नंबर सिक्सटी

वीडियो का डोगरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था ठीक है ऑप्शन है गुलाब सिंह रणबीर सिंह प्रताप सिंह रंजीत सिंह आपको करेक्ट आंसर चूज करना है आता है वेलैंड नहीं आता है सुगज मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुलाब सिंह ठीक है तो आप मुझे एक बताएंगे अगर आप जो इसकी फुल वीडियोस देखना चाहते हैं डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं हिस्ट्री की जो भी जम्मू कश्मीर है कंप्यूटर है तो गाइज आपके टाइम टाइम पे यहाँ पे आई बटन शो हो रहा होगा आप उस पे जाके उन प्ले को जाके चेक कर सकते हो गाइज ठीक है तो उसका करेक्ट आंसर है गुलाब सिंह तो गाइज गुलाब सिंह कौन था ये रणबीर सिंह जो था ठीक है जो हमारे पास सॉरी रणबीर सिंह नहीं रंजीत सिंह ठीक है जो सिख रूलर था रंजीत सिंह तो उसकी आर्मी का एक कमांडर था ठीक है गाइज बटने अगले वाले क्वेश्चन तरफ अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास सुगाइज यह है हमारे सामने अगला वाला क्वेश्चन अकबर आप कश्मीर किसे कहा जाता है ऑप्शन है ललित द्वितिया मुक्ता पिडा शहाबुद्दीन जैन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि अकबर आप कश्मीर किसे कहा जाता है सुगैज दिस इज द करेक्ट आंसर जैन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है

हाउ मैनी सिख गवर्नर रूल्ड कश्मीर कितने सिख गवर्नर ने कश्मीर में रूल किया ड्यूरिंग 1819 नाइन टू एटीन फोर्टी से 1846 तक कितने सिख गवर्नर हमारे कश्मीर में रहे हैं कितने सिख गवर्नर ने रूल किया है सो गाइज टेन ट्वेंटी और नाइन सो गाइज यू हैव टू टेन so रूलर हमारे यहाँ पर रहे हैं ठीक so, है अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी अफगान गवर्नर्स रूल्ड कश्मीर कितने अफगान गवर्नर्स ने गाइज सेवनटीन फिफ्टी वन से 1819 तक यहां पर रोल किया है सो so गाइस आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए 28 27 26 25 सो so गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है यानी कि 28 यहां पर अफगान गवर्नर ने यहां पर रोल किया है सो so गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन है कितने मुगल गवर्नर्स हैं जिन्होंने कश्मीर को 1586 से 1751 तक यहां पर रूल करा है ऑप्शन नंबर ए 28 अट्ठाइस 35 सो पैंतीस का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि टोटल मुगल गवर्नर कितने रहे हैं यहाँ पे पैंतीस यहाँ पर रहे हैं गाइज ठीक so है ठीक है तारीख कश्मीर किसने लिखी है पीर हसन शाह ख्वाजा मोहम्मद बिरबल या मलिक हैदर तो उसका आंसर है हमारे पास, मालिक, मालिक हैदर ने तारीख कश्मीर लिखी है यहाँ पर जफरनामा किसने लिखी है शरीफुद्दीन याजदी ख्वाजा मोहम्मद बिरबल कचरू या पीर हसन शाह सो तो गाइज ये लिखा है हमारे पास जफरनामा जो लिखी है ऑप्शन नंबर ए ठीक है शरीफ उद्दीन यादरी और चीज मैं आपको बता दूं। ये चीज़ आप सर्च करेंगे कि किसने लिखी है क्या सर्च करेंगे आप जाके गूगल पे अकबर नामा किसने लिखी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इससे क्या होगा कि आपकी अगर एक बार आप कोई चीज सर्च करते हैं ना गाइज वो आपको लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में, में वो सेव रहती है ठीक है गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कश्मीर में कौन था शेम गुप्ता

कन्वर्जन ऑफ रिंजन टू इस्लाम ठीक है क्योंकि उन्होंने रिंजन को था रिंजन जो थे वो लद्दाख से थे ठीक है मैंने कल आपसे कहा था कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था यहाँ का रिंजन था ठीक है उसके बाद रंजन को इस्लाम में बदल दिया उस रिंजन को रिंजन ने इस्लाम कबूल किया था 1320 कॉमन में ठीक है तो किसने वो सना पड़ी थी वहां पे सुल्तान जनबीन सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह मीर सुल्तान सिकंदर का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी ठीक है इस स्क्रीन। यहां पूछा गया है कि मीर सैद अली हमदानी कश्मीर में पहुंचे थे किसके शासन काल में सुल्तान जैनलाआब्दीन सिकंदर कुतुबुद्दीन या शहाबुद्दीन करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही सुना आप सब लोगों ने कुतुबुद्दीन ठीक है सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारी स्क्रीन पर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे पूछा गया है कि औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है ठीक है जैन उलब्दीन सिकंदर शाहमीर या कुतुबुद्दीन तो गाइज जैन औरंगजेब ऑफ़ कश्मीर कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिकंदर को ठीक है तो गई हमारी वीडियो के आज के तो अगर आपको अच्छी लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ सोचिए कि हजार क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो गाइज 20 से 30 क्वेश्चन तो इसी वीडियो में से हमारी वीडियो में से आ आएंगे गाइज तो 30 क्वेश्चन गाइज इट मैटर्स यहाँ पे पता है कि जो बच्चे एक नंबर से भी रह गए हैं और साथ में गाइज हमारी करंट अफेयर सीरीज चलती है सुबह छह बजे मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ ठीक है तो मैं वीकली करंट अफेयर यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ ठीक है आप कांटा को बिल्कुल भी छोड़िए छेड़िएगा मत ठीक है छोड़िएगा मत छेड़िएगा मत नहीं छोड़िएगा मत उनको ठीक है क्योंकि बहुत वो इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पर प्ले करते हैं फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने चहितों के साथ बिकॉज शेयरिंग इज तो वीडियो खत्म करता हूँ थैंक यू गॉड ब्लेस ऑल जय हिंद